बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमारी मतलब सेम सेम है, हाइट भी सेम है। उसके बाद हमारा ये कट देखेंगे आप तो, उनका लेफ्ट साइड पे ये भी आप देखेंगे, उनका भी होगा। और उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ भी सेम सेम है। अक्सर लाइफ जब बैठता हूँ तो ज़्यादातर मेरे लाइफ मतलब जब बैठता हूँ तो इंडियन ही होते हैं उसमें, तो वो मुझे कहते हैं कि आप भाई इंडिया आ जाओ, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप इंडिया आ जाओ। बिल्लो बग्गे बिलियां दा की करेंगी नी, मेरा मार दाई उबाले खून अंग अंग तू, ओ काले जली बास दी शुकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू, काले जली बास दी शुकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ इंडियन पंजाबी सिंगर काका के हमशक्ल काका पाकिस्तानी से, जिन्होंने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। शक्ल के साथ साथ आवाज बिल्कुल काका जैसी है। ट्विटर ने भी धोखा खा लिया और पुलिस वाले गाड़ियाँ रोक रोक के सेल्फीज बनाते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं काका पाकिस्तानी से। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी काका जिनका नाम है राशिद अली, वो हमारे साथ मौजूद है। तो वक्त को जाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको कब और कैसे पता चला कि आप जो हैं काका जैसे लगते हैं, दिखते हैं? जब ये मतलब उनका स्टार्ट ही हुआ था तब भी पता चल गया था, तो काफ़ी लोग बोलते थे आप काका की तरह लगते हैं, तो इस तरह फिर मुझे भी थोड़ा लगता था, काफ़ी लोगों ने फिर बताया भी सही। फिर किसी ने मुझे वो सॉन्ग तो मैं सुनता ही था, लेकिन ये था कि सुन रहा था लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये काके का है, कौन है, मतलब ये नहीं पता था। लेकिन वो फिर दोस्तों ने मुझे बताया कि ये पहले तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने सॉन्ग किया है। अच्छा। फिर मैंने कहा यार मैंने कोई सॉन्ग नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि आपको दिखाते हैं, तो फिर उन्होंने मुझे यूट्यूब से निकाल के दिखाया, तो उसमें ये था कि शुरू में वो पुशअप वगैरह लगा रहे होते हैं, तो उनको लगा शायद मैं ही हूँ, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स मैन हूँ, एज अ मार्शल आर्ट करता था, काफ़ी देर से कर रहा था, मतलब नेशनल लेवल पे खेल रहा था मैं, तो इस वजह से वो बोलते थे कि आप ही हो। तो जब मैंने यूट्यूब पे उन्हें सॉन्ग में देखा तो मुझे भी थोड़ा फील हुआ कि यार वाकई सच में मैं ही लग रहा हूँ। आप में और इंडियन सिंगर काका में शक्ल के अलावा और क्या क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमारी मतलब सेम सेम है, हाइट भी सेम है। उसके बाद हमारा ये कट देखेंगे आप लोग, उनका लेफ्ट साइड पे ये भी आप देखेंगे, उनका भी होगा। और उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ भी सेम सेम है, 94, मतलब उनकी भी वही है, मेरी भी वही है। और उसके बाद जैसे वो घरेलू मतलब उनके अब्बू मिस्त्री का काम करते थे, मेरे भी वैसा ही है, सेम ही है, मतलब जो भी है हमारा। तो ये है कि हम अलग-अलग हैं, वो इंडिया में, मैं पाकिस्तान में, बस इतना फ़र्क है। आपको इंडियन सिंगर काका समझते हुए कितने लोगों ने आपके साथ सेल्फीज बनाई, कितने लोगों ने जो आपको घेरा? सबसे पहले तो टिकटॉक जब मैंने बनाई थी 2022 में ही बनाई थी शुरुआत में, तो तब टिकटॉक वालों ने ही धोखा खा लिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लू टिक दे दिया था कुछ देर बाद। तो ये था कि मेरे वीडियो मतलब उन्हें लगा कि आप ओरिजिनल काका हैं। जी बिल्कुल, उनको यही लगा। तो मुझे एक दो दिन के बाद मेरी वीडियोस काफ़ी वायरल हो गई थी, मतलब मैंने एक दो वीडियो डाली तो अगले दिन मशरूम पे मिलियन में व्यूज़ आए हुए थे। तो इस तरह फिर मैंने सुबह जब देखी तो काफ़ी वायरल हुई थी, तो मुझे उस वक्त भी थोड़ा खुद को ना अंदर से ना मतलब दूसरा, मैंने कहा यार ये मैंने शायद स्नैक खोल रही है, तो स्नैक पे तो वैसे भी मेरे मतलब फॉलोवर थे लेकिन उस पर मैं इतना काम नहीं करता, तो मैं कह शायद उन्होंने मुझे वायरल कर दिया। लेकिन ये नहीं था कि मैंने फिर एक बार डिलीट कर दी टिकटॉक, मतलब वापस चला गया, ऑफ किया मोबाइल, फिर खोला दोबारा, फिर मैंने जब टिकटॉक खोली फिर उस पर वही माश, फिर इस तरह मतलब वो ऊपर आ गया। अच्छा, आप सिर्फ इंडियन काका जैसे दिखते हैं या आप उन जैसा गा भी लेते? जी कोशिश कर रहे हैं कि उन जैसा बने, उनसे भी ऊपर वाले लेवल पे आए इंशाल्लाह, क्योंकि उनसे आगे निकलेंगे तो उनका नाम बनेगा, उनका नाम से मतलब हमारा नाम अटैच होगा यार वाकई का कब। चले फिर कुछ गा के सुना दे। बिल्लो बग्गे बिलियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिलियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिलियां दा की करेंगी नी, मेरा मार दाई उबाले खून अंग अंग तू, ओ काले जली बास दी शुकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू, काले जली बास दी शुकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काला सूट पावे जदों लग दियां कैर लगे जहर साडे दिल नू चढ़ाएंगे, चक दियां अख फिर तक दियां लगदा है हस के ही जान लै जाएंगी, बहुतियां पड़ाकू आंदे हो गए ते अनवंग पाई छणकारे भी नहीं पाई वंग तू,
ओ काले जे लिबास दी शुकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू। काले जे लिबास दी शुकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू। जबरदस्त मजा आ गया मुझे। लिटरली दो मिनट के लिए यही लगा था कि मैं शायद इंडियन काका को ही सुन रही हूँ, क्योंकि गाना मैंने खुद भी सुना हुआ है तो मुझे बिल्कुल भी कोई फर्क नजर नहीं आया। अच्छा, इंडियन लोग, क्योंकि डेफिनेटली आपको देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो आपको अप्रोच करते हैं? जी बिल्कुल, मैं अक्सर लाइव जब बैठता हूँ तो ज़्यादातर मेरे लाइव मतलब जब बैठता हूँ तो इंडियन ही होते हैं उसमें, तो वो मुझे कहते हैं कि आप भाई इंडिया आ जाओ, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप इंडिया आ जाओ। तो मैं कहा इंडिया वाले अब भी मुझे आने तो देंगे नहीं, लेकिन यह है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह आऊँगा। वैसे प्लान है या माइंड बना हुआ है कि नहीं यार एक दफ़ा इंडिया जाना है? ये तो मेरा शुरू से था कि क्योंकि मैं इंडियन मूवीज़ बहुत देखता था ना बचपन में, तो मेरा शौक था कि मैं भी इंडिया में जाके मूवीज़ बनाऊँ। तो अभी ये है कि अभी इंडिया में मुझे चांस मिला जाके उनके साथ गाना, अगर काका जी के साथ मुझे बनाना मतलब नसीब हुआ कि मतलब मैंने बनाना जाके, तो मैं ज़रूर जाऊँगा इंशाल्लाह उनके साथ काम करूँगा। जैसा कि आपने भी बताया कि इंडिया से बहुत लोग अप्रोच करते हैं, मैसेजेस करते हैं आपको इंडिया आने के लिए, इनवाइट भी करते हैं, तो कोई एक ऐसा मैसेज इंडियंस का जो आपके दिल पर लगा हो वो हमारे साथ शेयर करें। बहुत अच्छे इंसान है माशा, बहुत ही अच्छे इंसान है। किसी मैं जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन बैठे होते हैं मतलब बात भी करते हैं, व्हाट्सएप पर भी अभी बात चल रही है उनके साथ, लेकिन बहुत अच्छे नेचर उनकी, इंसान बहुत अच्छे इंसान है मेरे लिहाज से, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत अच्छी मतलब रिलेशनशिप में है, तो मुझे यही लगता है। मतलब इंडिया वालों से भी आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप काका जैसा दिखते हैं? हाँ, तो उनको लगता है कि आप कहते हैं कि हमारे जो काका हैं ना उनसे बिछड़ गए हैं, तो आपको मिलाना हमारा फर्ज बनता है। आपको पता है एक बात कही जाती थी कि इस दुनिया में जो है एक शक्ल के साथ लोग मौजूद होते हैं, आपको देखने के बाद ना मेरा इस पर थोड़ा थोड़ा यकीन पक्का होता चला जा रहा है। ऐसा ही है, क्योंकि अभी तीन तो हम लोग मिल चुके हैं, कहते हैं कि दो हम हैं, एक इंडिया का और लड़का है वो दिल्ली का है उधर का ही, तो वो भी अभी काम कर रहा है उसके साथ तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि वो अपना शूटिंग वगैरह मतलब सॉन्ग्स वगैरह पे कर रहा है, मॉडलिंग करता है साथ साथ, मतलब अपने सॉन्ग नहीं बनाता, सॉन्ग किसी के होते हैं फिर भी वो उसमें ऐड अपना मॉडलिंग करता है। मतलब तीन लोग आप एक जैसे मिल गए? हाँ ऐसा ही है, तीनों में बस होगा 19-20 का, जो 18-20 का होगा तीनों का आपस में थोड़ा सा, नहीं तो मिलते जुलते ही हैं। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि पुलिस वाले भी आपको रोक रोक के काका समझते रहे और आपके साथ सेल्फीज बनाते रहे? हाँ ऐसे ही है, पुलिस वालों ने काफ़ी लोगों ने मेरे साथ सेल्फियाँ ली हैं, मतलब सेल्फियाँ भी ली हैं, वीडियो बनाई हैं। अभी दो तीन दिन पहले हम लोग मीनारा पाकिस्तान गए थे, वहाँ तो इतना माशाल्लाह रश हो गया था, इतना रश हो गया था, हमें 3 घंटे मतलब लग गए वहाँ से निकलते निकलते। पुलिस वाले थे दो तीन, उन्होंने खुद अपने मुँह से तारफ़ करवाया कि जी हम पंजाब पुलिस हैं, हमारे साथ भी वीडियोज़ बनाए, तो उनके साथ भी फिर वीडियो बनाई। जो ओरिजिनल काका हैं इंडिया के सिंगर काका, उन्होंने आपको अप्रोच किया? जी अप्रोच तो ये है कि उन्होंने मेरी वीडियो अपनी स्टोरी पे लगाई थी इंस्टाग्राम की, बाकी उनके साथ जो अटैच हैं काफ़ी लोग, उन्होंने मेरे से रابطہ किया, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जल्द हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भाई से, तो अभी वो मतलब निकले हुए हैं अपने आगे आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो जब भी आएंगे तो इंशाल्लाह हम बात भी करवाएंगे उनसे। अच्छा, इंडिया से कितनी ऑफर्स आई हैं आपको अब तक? बहुत ज़्यादा, वहाँ पे तो मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप आओ, आप हम बुलाते हैं आपको, आप आओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी कुछ यहाँ पाकिस्तान में बन लो तो फिर आऊँगा इंशाल्लाह। पंजाबी सिंगर, इंडियन सिंगर काका जी की बात करें तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन को उन्हें सामना करना पड़ा, तो आपकी लाइफ में भी कुछ तरह की चीज़ें हुई हैं? जी बिल्कुल, मैं 2012 से मतलब 2011 से निकला था वहाँ से अपने गांव से, मतलब मेरा ये ख्वाब था कि मैंने ना स्टार बनना है ना, मतलब हीरो बनने का शौक़ था, मतलब मूवीज़ देखता था इंडियन, तो इस वजह से निकला था। फिर मैं जब यहाँ आया लाहौर, यहाँ पे आके मैंने स्कूल में दाखिला लिया, तो साथ स्टडी भी करता था, फिर ये था कि पार्ट टाइम काम भी कर रहा था, तो मेरा ये था कि मैं ना कुछ बन जाऊँ, तो मतलब मैं शुरुआत में मैं ले के ख्वाब ये आया था कि मैंने स्टार बनना, और मेरा था कराटे मैंने सीखने लाहौर क्लब कहीं भी जाके ना, तो क्लब भी मतलब साथ साथ ढूंढ रहा था कि कहीं मिल जाए तो मैं उसमें कराटे वगैरह सीखूं, तो एक दिन फिर जो वो क्लब भी मिल गया, तो उस प्लेटफार्म पे जाके मैंने जब उन वहाँ तो मेरा यह था कि मैं सीखूँ बस, लेकिन ये नहीं था कि मेरे लिए ये मतलब बन जाएगा कि मैं मजबूरी बन जाएगी कि मैं करूँगा बस, तो मेरा एक शौक़ भी था, फिर मेरी मजबूरी बन गई, करना पड़ा मुझे, क्योंकि शौक़ जो होता है ना वो सब कुछ करवाता है, मजबूरी भी फिर करवाती है। फिर 12-13 साल उसमें मैंने टाइम लगाया, उसमें फिर मुझे बेनिफिट ना मिलने की वजह से,
हालांकि मैंने स्टडी भी छोड़ दी उसकी वजह से ना, कराटों की वजह से। तो फिर कराटों में भी कोई बेनिफिट ना मिलने की वजह से फिर छोड़नी पड़ी। अच्छा, क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी शक्ल जो है इंडियन पंजाबी सिंगर काका से मिलती है, तो क्या आपको वो पहले भी पसंद थे या ये पता चलने के बाद आपको उनको लाइक करना शुरू किया आपने? जी पहले भी पसंद थे, मतलब सॉन्ग वगैरह तो मैं उनके सुनता था। जब वो उनका सॉन्ग आया था ना, तो घर में जो छोटी सिस्टर हैं मतलब भाई लोगों ने उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी मुझे कॉल की, कहते हैं आपका सॉन्ग आया। अच्छा। छुप के सॉन्ग कर लिया। मैं कहा नहीं नहीं मेरा नहीं है। तो कहते हैं आपके जैसा है वो बिल्कुल। तो मैं कहा शायद, मैं कहा मैंने नहीं देखा अभी, फिलहाल देखूँगा। तो बाद में जब देखा तो मुझे भी ऐसे लगा, लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि नहीं ये इंडिया के सिंगर हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भी सोशल मीडिया पे मतलब जैसे टिकटॉक है, स्नैप ऐप है, मतलब जितने भी हैं यूट्यूब है, मतलब चैनल वगैरह बनाओ, इंशाल्लाह वायरल हो गए। तो मुझे वो काफ़ी देर से बोल रहे थे, लेकिन मैं उनकी नहीं सुनता था। मेरा क्योंकि दिमाग सिर्फ टिका हुआ था स्पोर्ट्स, बस वही करनी है। तो अब आप ख्वाहिशमंद हैं कि आपने काका से मिलना है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे उनसे, क्योंकि वो अब उस्ताद जी मानते हैं उनको। अच्छा। क्योंकि उनके रास्ते पर चल पड़े हैं, तो अब कहते हैं ना कि जिसको अपना गुरु या मतलब आप समझ लो उस्ताद मान लेते हैं, तो फिर सारा कुछ लुटाना पड़ता है उनपे। कोई एक और गाना सुना दें हमें उनका। रोया करेंगी तू फिर आटा गुनदी, खोलेंगी किताब नाले पाप पुन दी, सोचेंगी जे हुसना नू सांभ रख दी, कानू काके वास्ते मैं दाने पुन दी, थकी हारी फेर जदो सोन लगेंगी, जुल्फा नचाउणगियां उंगलां, रोएंगी के दस खुश होएंगी, जदो करूगा कोई तंग मेरे वर्गा, तुप्पा विच खड़े आ ना करनी, ओ जो काला रंग मेरे वर्गा, मेरी लॉटरी आ तैनू पंगा पै जाना, पल्ले पै जू कोई मलंग मेरे वर्गा, तुप्पा विच खड़े आ ना करनी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने आपको मिलवाया काका पाकिस्तानी से। उम्मीद है आपको पाकिस्तान का काका, उसकी गुफ्तगू और उसकी आवाज़ पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।